हेलो डियर फ्रेंड्स, क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश? इफ यस, यू विल हैव टू फॉलो द टिप्स आई एम गोइंग टू टेल यू। डियर फ्रेंड्स, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ट्रांसलेशन आना बहुत जरूरी है। अगर आपका माहौल अंग्रेजी का नहीं है, अगर अंग्रेजी का माहौल है आपका, तो नेचुरली आप धीमे धीमे उस कंपनी में रह करके अंग्रेजी अपने आप सीख जाएंगे, आपको किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है, तो पहले ट्रांसलेशन जानना बहुत जरूरी है अगर माहौल नहीं आपके ऊपर। तो डियर फ्रेंड, सबसे पहले ट्रांसलेशन आप सीखिए। ट्रांसलेशन नहीं आएगा तो अंग्रेजी नहीं आएगी। जो कहते हैं बगैर ट्रांसलेशन के अंग्रेजी हम बोल सकते हैं, हम बुला सकते हैं, ये सब गलत है, झूठ बोलते हैं। ऐसे लोगों, ऐसे अध्यापकों, ऐसे इंस्टीट्यूशन पर बिल्कुल आप विश्वास मत करिए। मेरा कहना मानिए, वरना आपका पैसा जो है बर्बाद हो जाएगा। तो आपको क्या करना है आज से, आपको कम से कम पहले एक आधा घंटे तो आपको देना ही पड़ेगा ट्रांसलेशन में। आधा से एक घंटे आप ट्रांसलेशन दीजिए, कि अगर कोई पढ़ाने वाला मिल जाए आप उसे पढ़ लीजिए, इंडिविजुअल पढ़ लीजिए बाय ट्रांसलेशन। क्योंकि ट्रांसलेशन और मॉडल्स के बगैर कैन कुड शुड, अगर ये नहीं आएंगे तो आपको अंग्रेजी नहीं आ सकती। अगर टेंसेज नहीं आएंगे तो आप टेंस, किसी भी टेंस में अपनी अभिव्यक्ति कैसे करेंगे? हाउ विल यू एक्सप्रेस योर थॉट्स इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन? तो किसी भी ट्रांसलेशन, किसी काल में बोलने के लिए आपको जरूरत है ट्रांसलेशन की। तो डियर फ्रेंड्स, पहले ट्रांसलेशन आपको आना बहुत जरूरी है। किसी भी अध्यापक से पढ़ लीजिए, ट्रांसलेशन सीखिए, मॉडल्स, ओके। और इसके साथ साथ में रोज आपको 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी यूजफुल, जो बहुत ही ज्यादा हमारी रोजमर्रा में आती है, वो आपको वर्ब से सीखनी बहुत जरूरी। वर्ब के तीनों फॉर्म बहुत जरूरी है, जैसे गो एंड गॉन, राइट? तो वर्ब की फॉर्म अगर नहीं आएगी तब भी आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते डियर फ्रेंड्स। तो आप नोट कर लीजिए, वर्ब के फॉर्म आपको याद करना बहुत जरूरी है। किताबों में मिल जाती है, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, तो उनको आप लर्न करिए डियर फ्रेंड्स। और आप बच्चों के कार्टून देखिए, वॉच द कार्टून्स which are televised on TV screen and listen very carefully, और ध्यान पूर्वक उसे सुनिए। क्योंकि श्रोता जितना अच्छा होता है ना, उतना ही अच्छा वक्ता भी होता है। तो कार्टून में क्या बोल रहा है, किस टेंस में बोल रहा है, जब टेंस आएंगे तभी आप समझ पाएंगे, राइट? तो टेंसेस बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ में आपको कार्टून ध्यान पूर्वक सुनिए, और इसके साथ साथ बच्चों की अंग्रेजी में जो मैगजीन्स होती हैं, बच्चों की एंटरटेनमेंट करने वाली जो मैगजीन्स होती हैं, जैसे चंपक है और बहुत सारी मैगजीन्स आती हैं बच्चों के लिए, तो ये मैगजीन आप खरीदिए। क्योंकि इसमें बहुत ही इजी इंग्लिश होती है। आप पहले से अखबार, लोग बताते हैं यार अखबार खरीद लो, अखबार से अंग्रेजी आएगी। जिंदगी में अखबार से अंग्रेजी नहीं आएगी डियर फ्रेंड। ये मेरा चैलेंज है उनके लिए जो कहते हैं कि मैंने अखबार से अंग्रेजी सीखी। आई एम सॉरी टू से, नोबडी कैन लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश बाय द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर इन द वेरी स्टार्टिंग। क्योंकि न्यूज़पेपर में तो एडवांस इंग्लिश दी होती है, आप कैसे सीख जाएंगे? हाउ विल यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? तो डियर फ्रेंड्स, जो मैं बता रहा हूं वो करना बहुत जरूरी है, राइट? तो बच्चों वाली मैगजीन आपको देखना है, चंपक खरीद लीजिए, बहुत ईजी मैगजीन होती है। तो ये सारी जो इजी मैगजीन होती है, इसी तो आप अर्थ निकाल पाएंगे। जब आपका बेस इतना कमजोर है तो इतना हाईफाई क्यों पढ़ने की कोशिश कर रहे हो? इतने बड़े इंस्टीट्यूट में, जब बड़े इंस्टीट्यूट में कुछ नहीं मिलेगा, बढ़िया शोरूम, वेल फर्नीचर, शीशा लगा हुआ, एसी लगा हुआ, एसी से क्या लिया देना यार तुमको? व्हाट यू हैव टू डू विद द एसी एंड ऑल दैट, द फर्नीचर एंड द वेल डेकोरेटेड रूम, इट हैज नथिंग टू डू विद यू ऑल, राइट? और फिर जो व्यक्ति अंग्रेजी बोल लेते हैं उनके सामने प्रैक्टिस करिए। अगर ऐसा नहीं है, आपके पास कोई ऐसा मित्र नहीं मिल रहा है, या कोई रिलेटिव में अगर कोई आपका रिश्तेदार हो, उससे आप 10 मिनट अंग्रेजी में रोज बोला करिए, राइट?
और इसके साथ साथ में अगर फिर भी कोई नहीं मिल रहा है तो डियर फ्रेंड्स, फिर आप अपने मिरर को, दर्पण जो है आपका, जो घर में शीशा है, उसके सामने आप बोलिए, उसे क्वेश्चन करिए और अपना आंसर दीजिए। ये समझिए वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, आप उसका आंसर दे रहे हैं। इस स्टाइल से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने भी की शीशे के सामने, तब मैं आज अंग्रेजी बोल रहा हूँ। इन द वेरी स्टार्टिंग आई वॉज वेरी बिग, आई डिड नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश दैट पर्टिकुलर टाइम। देयर वॉज नोबडी एक्चुअली, आई सर्च अ लॉट बट आई डिड नॉट फाइंड वन सिंगल पर्सन हु कैन हेल्प मी टू स्पीक इंग्लिश। नोबडी वॉज देयर। सो एट लास्ट आई वॉज हेल्पलेस। I took the support of the mirror. I look into the mirror. I questioned the mirror, and after having questioned, I answered. Okay, I was understanding. I have a friend. My image that I saw into the mirror, I accepted that my friend who was who is helping me, who was helping me. So this is how you have to do. You have to do the same. आपको भी वैसे करना, otherwise you will certainly have problem in learning English. You won't be able, because nobody wants to help anyone right now. If you really want to speak English, you would like to go to your relative and you would like to seek help from anybody else, nobody would like to give help, because nobody wants to see you go higher than the other. So you know, this is the word of prejudice and all that. But आपको नहीं बनना, आपको पॉजिटिव बनना है। जो टॉप पे जाते हैं वो पॉजिटिव लोग होते हैं, राइट? तो सब कुछ आज यूट्यूब में है। यूट्यूब इतना बढ़िया ऐप है आप, और लेकिन जो मैंने बताई आपको टिप्स, वो सारा करना बहुत ज़रूरी है डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अंग्रेजी बोलना है। नहीं तो अंग्रेजी फिर भाई आई एम सॉरी, तो विद बेस्ट लक आई एम कमिंग टू एन एंड। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन स्पीकिंग गुड इंग्लिश। ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।